हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशि गार्डन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली कुछ ऐसे प्लांट कि जिन्हें आप अभी जून में आसानी से लगा सकते हैं और बिना देर किए आप उन्हें जल्दी से ग्रो कर लीजिए, क्योंकि ये जो मानसून का सीज़न जो स्टार्ट हो गया है, बहुत सारी जगह हो गया है, कहीं बचा हुआ है, पर ज़्यादा देर नहीं है मानसून आने में। बहुत ही जल्दी 2 से 4 दिनों में मानसून सभी जगह एक्टिव हो जाएगा। तो इस समय हमें लगा लेने चाहिए ये प्लांट की कटिंग्स, या फिर आप नर्सरी से ले आइए इन प्लांट्स को, जो इस समय आपके गार्डन में काफ़ी अच्छे से सर्वाइव भी करेंगे और आपके गार्डन को हरा भरा भी रखेंगे और फूलों से ये महकते रहेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा अलमांडा का प्लांट। अगर आपको अलमांडा की कटिंग कहीं से मिल जाती है तो आप इसकी कटिंग अभी लगा लीजिए, काफ़ी अच्छे से भी ग्रो हो जाएगी और बिना केयर के ही आपके बारिश में आसानी से काफ़ी बड़ी हो जाएगी और चलती ही रहेगी, और बहुत सारे इसमें अभी फ्लावरिंग होने वाली हैं। ऐसा बारिश के मौसम में अक्सर हमने देखा है कि जो मिट्टी एसिडिक हो जाती है बारिश के पानी से, तो हमारे प्लांट्स पे फ्लावरिंग ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो अलमंडा में कई वैरायटी आती है, मेरे पास ये येलो कलर की वैरायटी है, अगर आप चाहो तो इसे नर्सरी से भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है हमारा केल का प्लांट। ये जो केल का प्लांट है इसमें भी कई कलर के फ्लावर ब्लूम होते हैं। मेरे पास 2 कलर हैं, एक तो येलो कलर है, येलो में हल्का सा ऑरेंज उसमें शेडेड है, और एक है रेड कलर। तो रेड कलर की ये खासियत होती है कि जो इसकी पत्तियाँ होती हैं उसके साइड में ऐसे लाल लाल किनोरी बनी रहती है, लाल लाल से इस तरीके स्टेम में बाहर दिखाई देता है ये कलर, ये इस तरीके से। इससे आप पहचान सकते हैं कि इसमें लाल कलर के फ्लावर आएंगे, और जो हमारे नॉर्मल जो येलो और ऑरेंज कलर के जो फ्लावर आते हैं उनकी पत्तियों में देखिए बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है, सिंपल पत्तियाँ होती है। तो केल 2 तरीके से आप इसे ग्रो कर सकते हैं, एक ये सीड से भी ग्रो होता है और ये इसके जो बल्ब होते हैं उससे भी मल्टीप्लाई होता रहता है। तो यहाँ पर देखिए एक प्लांट से कई सारे प्लांट इसमें बन गए हैं, इसको हम अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी ये काफ़ी अच्छा सीज़न होता है इस समय मानसून वाला कि आप इसको अलग अलग करके कई सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, और ये अभी बारिश के मौसम में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है। अगला हमारा प्लांट है चंपा का प्लांट। चंपा की जो स्टेम होती है आप इसको अभी कट करके लगाएंगे तो देखिए इतनी छोटी स्टेम भी अगर आप इसकी लगाएंगे तो ये भी आसानी से ग्रो हो जाएगी, और ये आपके कटिंग वाले जो हमारे प्लांट रहते हैं बहुत जल्दी फ्लावरिंग पे आ जाते हैं, और आपको कहीं से कटिंग नहीं मिलती तो आप इसको नर्सरी से बिल्कुल परचेज़ कीजिए, क्योंकि इसके फ्लावर देखने में काफ़ी सुंदर लगते। नाग चंपा के और चंपा के फ्लावर एक जैसे ही होते हैं, और ये बहुत सारी कलर वैरायटी में मिलते हैं। मेरे पास में दोनों चंपा के जो प्लांट हैं, एक नाग चंपा और चंपा का, दोनों में वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, और ये काफ़ी कम केयर पे चलने वाला प्लांट होता है। इसकी ज़्यादा फर्टिलाइज़र की नीड नहीं होती है, पर जैसे हम गर्मियों में जो सॉलिड फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं, तो अभी जब मानसून आ रहा है या चल भी रहा है तो भी हम इनको सॉलिड फर्टिलाइज़र एक बार दे देंगे तो पूरी बारिश ये काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। अगला हमारा प्लांट है जेटोरपा का प्लांट। ये तो बिल्कुल ऐसा प्लांट है कि छोटी सी कटिंग से काफ़ी आसानी से चलता रहता है और पूरे साल भर फ्लावरिंग करता रहता है। इसकी खासियत यही होती है कि इसमें ना कोई इन्फेक्शन लगता है किसी भी चीज़ का, कोई भी कीट वगैरह इसमें नहीं लगते हैं, और ये बिना केयर का ही प्लांट होता है। आप इसको साल भर में 2 बार भी फर्टिलाइज़र करेंगे तो ये प्लांट आपके यहाँ हमेशा बना रहेगा और इसमें फ्लावरिंग इस तरह की होती रहेगी। ये देखिए रेड कलर के छोटे छोटे फ्लावर दिखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं और पूरे साल भर फ्लावरिंग करता ही रहता है। ज़्यादा गर्मियों में थोड़ी सी पत्तियाँ डैमेज हो जाती है, जैसे इस तरीके से जल जाती है, फिर भी प्लांट कभी मरता नहीं है। आपके गार्डन में एक बार ये प्लांट जब आ जाएगा तो उसके बाद ये कभी जाने का नाम नहीं लेगा। अगला हमारा प्लांट है अपराजिता का प्लांट। तो अपराजिता के लिए भी ये जो सीज़न है काफ़ी
बेस्ट सीजन है कि आप इसको कटिंग से, सीड से कैसे भी जल्दी से ग्रो कर सकते। वैसे ये सीड से भी काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी ग्रो हो जाता है। 4 से 5 दिनों में इसके सीड बाहर निकल आते हैं और ये भी कई कलर में अवेलेबल होता है। मेरे पास में इसके 2 कलर हैं, ब्लू और वाइट कलर। और देखिए इसकी स्टेम, अभी एक बारिश में स्टेम काफ़ी लंबी लंबी हो गई है और मेरा प्लांट भी काफ़ी अच्छा हरा भरा हो गया है और बहुत जल्दी फ्लावरिंग मुझे देने वाला है। तो यहाँ पर आप अपराजिता को भी ग्रो कर सकते हैं। कहीं से कटिंग मिल जाती है तो आप लगा लीजिए, सीड मिल जाते हैं लगा लीजिए, नहीं तो आप इसको नर्सरी से परचेज़ कीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्लांट हमारा होता है। नेक्स्ट हमारा प्लांट है कनेर का। कनेर का प्लांट भी सिर्फ गर्मियों में थोड़ी सी कम फ्लावरिंग करता है, बाकी आपको ये हमेशा फ्लावरिंग में ही मिलेगा। और ये इसमें भी आप इसकी छोटी सी जो कटिंग होती है उससे इसको ग्रो कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता कि आपको मोटी कटिंग लेनी है या पतली कटिंग, आप इसकी जो पेंसिल टाइप से जो कटिंग होती है ना, इससे भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और ये आपको रोड साइड कहीं भी नज़र आ जाएगा, आप इसकी कटिंग से इसको ग्रो कीजिए। और कटिंग से ग्रो होने के बाद में काफ़ी जल्दी फ्लावरिंग पर आ जाता है और इसकी फ्लावरिंग काफ़ी सुंदर लगती है, जैसे छोटे छोटे गुलाब निकले हों इस तरह के इसमें फ्लावर आते हैं। तो ये इसमें भी काफ़ी कलर आते हैं, वाइट आता है, पिंक आता है, हल्का पिंक आता है, और भी जो घंटीनुमा कनेर होता है उसके भी कई सारे कलर आते हैं, येलो, ऑरेंज, वाइट। वो वाला कनेर अभी मेरे पास नहीं है, ये जो फ्लावर आते हैं जो गुलाब जैसे लगते हैं छोटे छोटे, वही अभी मेरे पास में है। और ये भी काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, इसको भी आप काफ़ी कम फर्टिलाइज़र पे या 3 से 4 महीने में एक बार भी फर्टिलाइज़र करेंगे तो ये प्लांट्स चलता रहता है। और अभी खासियत यही रहती है कि जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है और बारिशों का पानी इन पर गिरता है, अपनी फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो अगला हमारा प्लांट है गुड़हल का प्लांट। गुड़हल की भी कटिंग इस टाइम पे काफ़ी आसानी से लग जाती है, चाहे वह देसी हो या वेरीगेटेड हो, वेरीगेटेड लीव्स वाला हो या फिर हाइब्रिड वैरायटी का हो, सभी प्लांट्स अभी आसानी से चल जाते हैं। मेरे पास में ये जो देसी वैरायटी के प्लांट हैं, देखिए इन पे एक बारिश में ही काफ़ी अच्छे से पत्तियाँ इसकी निकल आई है, क्योंकि बारिशों में जो पत्तियाँ थोड़ी ख़राब होने लगी थी वो फिर से काफ़ी अच्छे से इसमें निकल आई है। और फ्लावरिंग के लिए अभी बिल्कुल स्टार्ट है, पर इसमें आप अभी एक सॉलिड फर्टिलाइज़र इसको दे देंगे तो ये काफ़ी अच्छी भी फ्लावरिंग करेगा। इसे भी फर्टिलाइज़र की नीड है, तो इसमें सॉलिड फर्टिलाइज़र के लिए आप वर्मी कंपोस्ट दीजिए, काउडो कंपोस्ट दीजिए या सी वीड दीजिए, कुछ भी अच्छा सा एक फर्टिलाइज़र इसको अभी गुड़ाई करके दे दीजिए, तो ताकि अच्छे से फ्लावरिंग ये आपको दे सके। और इसकी कटिंग को आप छोटी सी कटिंग, इसकी थोड़ी सी मोटी कटिंग लगाना अच्छी होती है, इतनी बड़ी कटिंग आप लगाइए ही चल जाएगा। और जब लगातार जब बारिशें होती रहती है, एक एक दो दो दिन छोड़ के या लगातार होती रहती, उस टाइम पे आप इसकी ये छोटी सी स्टेम होती है ना, ये इतनी सी स्टेम भी लगाएंगे ना तो ये लग जाएगी, इसमें रूट्स बनने लगेगी। तो अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते तो बारिश स्टार्ट हो जाए तब अभी इसकी इतनी सी स्टेम भी आप इसको लगा के ग्रो कर सकते हैं। और आप इसे नर्सरी से परचेज़ भी कर सकते हैं, कहीं से आपको कटिंग मिल जाए तो आप उसे अभी ग्रो भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये प्लांट्स होता है हमारा फ्लावरिंग के लिए और सालों साल बना रहेगा। थोड़ा सा इसमें वाइट मिलीबग्स का अटैक होता है, पर टाइम टाइम पे हम इस पर स्प्रे करते रहे तो वो अभी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा प्लांट है मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट। और मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट हमेशा फ्लावर बने रहते हैं और काफ़ी जल्दी से ये ग्रो हो जाता है, इसको हमें ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार अगर आपने इसको लगाया है तो इसके सीड गिरते रहेंगे और नए नए प्लांट इसमें निकलते रहेंगे। और मॉर्निंग ग्लोरी का नाम सुनते ही हमें ऐसे मालूम पड़ता है कि मॉर्निंग यानी कि सुबह के समय इसके फ्लावर खिलते हैं, कई सारे कलर में इसके फ्लावर आते हैं। इसको आप सीड से ग्रो करिए, एक बार सीड से ग्रो करेंगे तो ये आपके यहाँ से कहीं नहीं जाएगा और सुबह सुबह आपके यहाँ ये फूल बिखेरता रहेगा। चलिए अगला है हमारा पर्चुलो का प्लांट। इसकी भी हाइब्रिड या देसी कोई सी भी वैरायटी को आप छोटी सी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा टाइम है अभी इसका फ्लावरिंग का और देखिए बहुत सारी कलियाँ सभी जगह बनी हुई हैं। यह भी सुबह सुबह खिलता है, 3 बजे तक ही
इसकी जो फ्लॉरिंग है वो एक्सपैंड हो जाती है और मैंने बहुत सारी कटिंग इसकी ग्रो कर रखी है। और सबसे ख़ास इसकी बात यही होती है कि ये छोटे से छोटे कंटेनर में ये काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने छोटे छोटे कंटेनर में इसको ग्रो किया है, एक बड़े टब में भी मैंने इसको ग्रो किया ताकि काफ़ी अच्छे से फैल जाए। और यहाँ पर देखिए इसकी स्टेम जो काफ़ी लंबी हो गई थी तो उसको मैंने इस तरीके से तार में इस तरीके से लगा दिया है इसको। और इसमें आप अभी एक सॉलिड फर्टिलाइज़र दे दीजिए क्योंकि हम गर्मियों में तो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने इसको दिया था, पर अब एक सॉलिड फर्टिलाइज़र इसको देना पड़ेगा तभी ये काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग के लिए बना रहेगा। तो यहाँ पर अगला प्लांट आता है हमारा पर्सलेन का। पर्सलेन और पोर्चुलो का दोनों एक जैसे ही प्लांट होते हैं, पत्तियाँ थोड़ी अलग होती है पर फ्लावरिंग दोनों में इसी समय स्टार्ट हो जाती है गर्मियों से। इसकी कटिंग लगाना भी काफ़ी आसान होता है और ये भी कई सारे कलर में अवेलेबल होता है। मेरे पास में इसके तीन कलर हैं, पिंक, ऑरेंज और येलो। तो ये प्लांट भी आप अभी ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टाइम है इसे ग्रो करने का। और अगला प्लांट है हमारा मोगरा का प्लांट। ये तो हमारे गर्मियों का राजा कहने वाला प्लांट है। अगर आपने इसे गर्मियों में ग्रो नहीं किया है तो अभी भी समय है कि आप इसे अभी ग्रो कर लीजिए स्टेम से। और इसको आप ग्रो करके आपको अभी ये फ्लावर दो तीन महीने बाद ही देगा क्योंकि इसमें मोगरा में थोड़ी सी फ्लावरिंग लेट होती है। आप इसे अभी पर ग्रो कर सकते हैं, आपके यहाँ परमानेंट हो जाएगा ये प्लांट, या फिर आप इसको नर्सरी से परचेज कर सकते हैं अगर आपको अभी फ्लावरिंग चाहिए तो। तो इसको थोड़ी फर्टिलाइज़र की नीड ज़्यादा होती है क्योंकि काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग ये करता है। तो इसको आप वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग कंपोस्ट या कोई सा भी ऐसा फर्टिलाइज़र जो केमिकल युक्त हो वो भी हम इसे दे सकते हैं, और जो हम पत्तियों की खाद वगैरह जो घर में बनाते हैं वो भी इसे दे सकते हैं। इसके बाद में लिक्विड फर्टिलाइज़र भी कोई सा भी आप इसको दीजिए, जैसे ऑनियन पिल्स का, फ्रूट का, फ्रूट के जो पील होते हैं उनका, या पोटैटो पिल्स का, सभी इस पर आसानी से सभी फर्टिलाइज में आसानी से ये फ्लावरिंग करता है। इसके बाद आता है हमारा अगला प्लांट चांदनी का प्लांट। चांदनी के प्लांट के लिए ये मौसम काफ़ी बेस्ट होता है। इसकी भी आप अभी छोटी सी कटिंग, ये एसी कटिंग भी लगाएंगे ना तो ये भी चल जाएगी, और इस समय ये आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग देने वाला है। और इस समय ये जो बारिश का पानी इस पे गिरता है उससे ये काफ़ी अच्छे से नई नई लीव्स इसकी निकलती रहती है, और जितनी नई लीव्स निकलती हैं उसके बाद इसमें इस तरीके से कलियां बनने लगती हैं। इसको आप अभी इस टाइम पे थोड़ा सा प्रून भी कर देंगे तो इसमें बहुत सारी इस टाइम नई निकल आएगी और नई नई पत्तियां भी निकल आएगी। तो ये प्लांट्स को आप इस समय लगाइए क्योंकि इसकी जो वाइट कलर के फ्लावर देखने में भी काफ़ी सुंदर लगते हैं, और ये फ्लावर दो दिन तक तो बने रहते हैं, इतनी जल्दी स्पेंड नहीं होते हैं, दो तीन दिन तक बने रहते हैं। इसको भी फर्टिलाइज़र की नीड कम ही होती है, इसको हर महीने फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। अब दो से तीन महीने में भी इसको फर्टिलाइज़र करेंगे तो ये प्लांट आपका आसानी से चलता रहेगा। इसके बाद आता है हमारा रजनीगंधा का प्लांट। तो रजनीगंधा के प्लांट के बल्ब को आप अभी ग्रो कर लीजिए। रजनीगंधा को बल्ब से ही ग्रो किया जाता है और बल्ब से काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। एक बल्ब लगाने पे मल्टीप्लाई होते रहते हैं और इस तरीके की इसमें कलियां बनती है जो भी बारिश में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी करेगी, और फ्लावरिंग के साथ साथ आपके गार्डन को महकाई भी रहेगी क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू आती है इन प्लांट्स में। और उसके बाद हमारा रेन लिली। रेन लिली के कुछ बल्ब मैंने यहाँ लगाए हैं, ये देखिए इस तरीके से निकल आए हैं और ये भी मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और इस समय जैसे ही रेन स्टार्ट होती है इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और अगला प्लांट है हमारा मिरीब्लिस जालपा का, जिसे हम फोर ओ क्लॉक भी कहते हैं। इस प्लांट को भी आप बीच से या कटिंग से भी ग्रो कीजिए। इसमें गुलाबी, येलो, पिंक, गुलाबी और येलो कलर और वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और दिखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं, और शाम को 4 बजे बाद ही ये खिलता है, पर फ्लावर इसमें सुबह 9 बजे तक बने रहते हैं। काफ़ी कम फर्टिलाइजर में ये भी चलता रहता है। नेक्स्ट हमारा प्लांट है सनफ्लावर का। सनफ्लावर को आप अभी ग्रो कर लीजिए अगर आपने इसको गर्मी में ग्रो नहीं किया है, क्योंकि इस समय ये भी बीज से आसानी से ग्रो हो जाता है। कटिंग से मैंने आज तक इसको ग्रो करके नहीं देखा है, अभी तक मैंने इसको बीज से ही ग्रो किया है, और बीज से ग्रो होने के बाद भी आपको
काफ़ी जल्दी फ्लावरिंग देने लग जाता है। तो चलिए अगला प्लांट हम देख अगला प्लांट है हमारा पिटूनिया का, जिसे हम जंगली पिटूनिया कहते हैं। जो देखिए कितनी सारी इसमें अभी कलियां भर भर के बनी हुई हैं। ये इसका बेस्ट सीजन होता है फ्लावरिंग करने का। जैसे ही बारिश स्टार्ट होने लगती है, इसके पहले से ही फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है, और जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तब और ज़्यादा इससे फ्लावरिंग करता है। तो ये भी सुबह सुबह इसके फ्लावर बहुत सारे खिल जाते हैं और बहुत सारे फ्लावर एक साथ आते हैं इसमें, और इतना आसानी से प्लांट चलता है कि आपको क्या बताऊँ। एक प्लांट लाने पर मेरे पास देखिए इतने सारे प्लांट इसके बन गए हैं। मेरे पास इसके दो कलर हैं, एक ये पिंक कलर है, एक पर्पल कलर है। मेरे पास पिटूनिया, जो जंगली पिटूनिया हम इसे कहते हैं, इसकी भी दो वैरायटी मेरे पास में। एक वैरायटी ये वाली जिसमें लंबी वाली लीव्स हैं, और ये इस तरीके की पत्तों वाली। तो ये प्लांट्स आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि इसमें सीड भी बनते हैं, और सीड बनने के बाद में वो सीड अपने आप से फूट जाते हैं, और जैसे ही उस सीड पॉट जो फूटता है, जहाँ पर भी सीड गिरते हैं, वो अपने आप से प्लांट नया ग्रो हो जाता है। और नीचे इसमें छोटे छोटे बल्ब से भी बनते हैं, उससे भी प्लांट मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, उससे बढ़ता ही रहता है प्लांट। और बिना केयर के, बिना फर्टिलाइजर के ये प्लांट सालों साल आपके यहाँ बना रहेगा और खूब सारी फ्लावरिंग करता रहेगा। लास्ट प्लांट है हमारा विनका का प्लांट। विनका की हाइब्रिड या देसी कोई सी भी वेराइटी को आप ग्रो करिए, काफ़ी सुंदर लगती है ये विनका। अभी क्योंकि बारिश में इसमें भर भर के फ्लावर आते, वैसे तो 12 ही महीनों इसमें फ्लावर आते हैं, पर इस टाइम आपको इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी, और इसके फ्लावर का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो गया है। जैसे गर्मियों में हम देखते थे कि इसके फ्लावर का जो साइज़ था छोटा छोटा सा था, और अभी देखिए एक ही बारिश के बाद में इसके फ्लावर का साइज़ बड़ा बड़ा हो गया, काफ़ी ज़्यादा इसके फ्लावर निकल आए हैं, और इसमें बहुत सारे कलियां और बनी हुई हैं। तो इसको आप स्टेम से, सीड से कैसे भी ग्रो कीजिए, पर आपके गार्डन में ये प्लांट होना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट हमेशा फ्लावर से भरा हुआ रहता है। तो यही था आज का मेरा वीडियो, और कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ में शेयर की है। तो वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नई किसी जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग, एंजॉय गार्डनिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।